Assalamu alaikum and very good morning to all the parents and students. Hope this holy month of Ramzan going smoothly and you all are safe at home. First of all, again let's pray to Almighty that in this pandemic situation Almighty bless all of us and we should come out of this critical situation as early as possible. This first of all announcement is related to textbook and notebook selling in the school. We have done textbook and notebook selling in the school last week, but due to some unavoidable circumstances still few parents could not purchase the textbook and notebook. So keeping all the aspects in mind, we have rearranged the notebook and textbook selling session in the school, that is from this Monday, day after tomorrow. From this Monday, whole week till Saturday, there will be a textbook and notebook selling session for class 8, 9, 10 and 12. I repeat again, from this Monday, day after tomorrow, there will be a textbook and notebook selling session in the school for class 8, 9, 10 and 12. Now, parents can come on any day. It is not that for 8th standard Monday, for 9th Tuesday, no. Parents ko jab bhi pure week mein aana ho, aa sakte hain. 8, 9, 10 and 12 ke parents. 8, 9, 10 और 12 के पेरेंट्स मंडे से लेके सैटरडे तक, नेक्स्ट मंडे से लेके सैटरडे तक कन्वीनियंस ही जब भी हो नोटबुक और टेक्स्ट बुक परचेज करने के लिए आ सकते हैं। अब हमने ये सेशन क्यों रखा है, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि स्टिल पेरेंट्स स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास जो हमारे चल रहे हैं तो कितने बच्चों के पास नोटबुक्स नहीं है लिखने के लिए, और ऑनलाइन क्लास में भी भले ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं लेकिन टेक्स्ट बुक का होना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से हमने ये सेशन अरेंज किया है। आई थिंक 70% बच्चों के पास तो नोटबुक और टेक्स्ट बुक पहुँच गए हैं, लेकिन अभी भी 25-30% को मिलना बाकी है। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, स्पेशली मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। पहला टाइम जो होगा वो होगा 7:00 to 10:00 इन द मॉर्निंग, 7 AM to 10 AM एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, नेक्स्ट मंडे टू सैटरडे। टाइम होगा 7 to 10, 10:00 के बाद 10:05 भी हो जाएंगे तो किसी को नोटबुक और टेक्स्ट बुक परचेज करने का मौका नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ 7 से 10 के बीच में जब भी आप कन्वीनियंसी हो आप आके परचेज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ओनली 1 पर्सन इज अलाउड, यानी परचेज करने के लिए सिर्फ एक ही, या तो मदर या तो फादर, या दोनों में से अगर कोई अवेलेबल ना हो तो उनके बिहाफ में जो भी आ रहा है वो एक ही पर्सन अलाउड होगा। मास्क कंपलसरी होगा पहनना, और अगर मास्क नहीं है तो हैंडकरचीफ, हाथ रुमाल मुंह पे रख के आना, बांध के आना ज़रूरी है, उसके बगैर एंट्री नहीं मिलेगी। स्कूल का जो वसीला सोसाइटी साइड का गेट है वहीं से आपको आना है, एंट्री भी वहाँ है, एग्ज़िट भी वहाँ है। स्कूल ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए परफेक्ट अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग माइंड में रख के आना है और कोऑपरेट करके चलना है। बेटर अगर आप बाइक या स्कूटर लेके आए, क्योंकि डायरेक्ट आप नियर बाय प्रिंसिपल ऑफिस तक आ सकते हैं, और जैसे ही आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक मिल जाएंगे इमीडिएटली आप घर पे पहुंच सकते हैं। बाय चांस ये हुआ अगर कि सपोज़ आप फोर व्हीलर लेके आए और पार्किंग का इश्यू होता है तो फिर आपको बाहर रखना पड़ेगा, फिर चल के आना है, फिर चल के जाना है, थोड़ा बर्डन हो जाएगा, तो बेटर है आप बाइक या स्कूटर लेके आइए। यहाँ पे सेट ऑलरेडी रेडी ही है, आपको इमीडिएटली सेट लेना है और वापस चले जाना है।
आपसे और एक रिक्वेस्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग का आप केयर कीजिए, ग्रुप में मत रहिए प्लीज़, इंडिविजुअली आइए, एक ही पर्सन अलाउड है, आके अपने नोटबुक टेक्स्ट बुक ले लीजिए और इमीडिएटली आप अपने घर पहुंच जाइए। और एक बात, एक टाइम में अगर आप आए हैं और आपका एक बच्चा अगर 8 में है, एक बच्चा आपका 6 में है, तो दोनों के लिए आप सेम टाइम पे परचेज कर सकते हैं, ओके। और एक कॉस्ट ऑफ द बुक्स मैं बताऊंगा, 8, 9, 10 के लिए लगभग प्राइस जो है, टोटल प्राइस टेक्स्ट बुक और नोटबुक का, वो लगभग रहेगा 2000 से लेके 2200 रुपीज़ के आसपास, उसमें 50-100 रुपये प्लस माइनस हो सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड के लिए, कॉमर्स और साइंस दोनों के लिए, नोटबुक की जो प्राइस है वो 800 रुपीज़ है, और टेक्स्ट बुक जो है वो यहाँ से आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको शिफा स्टेशनरी से मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो कोई और स्टेशनरी से भी आप परचेस कर सकते हैं, स्कूल आपको फोर्स नहीं कर रहा है परचेस करने के लिए। और एक बात, कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो नेक्स्ट वीक भी नहीं आ सकते हैं, कंटेनमेंट एरिया में है या रेड जोन में है, जिनको आने में प्रॉब्लम है, तो हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप आराम से जब स्कूल रीओपन होगा उस टाइम पे भी आपको यहाँ पे बुक्स अवेलेबल होंगे, तब भी आप परचेस कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। पर प्लीज़ अगर आप कन्वीनियंसी है, आप सेफ है, सिक्योर्ड है, तभी आप आएंगे और नोटबुक और टेक्स्ट बुक परचेस करेंगे। हमें हमारे नियर बाय लोगों का सबका ख्याल रखना है, केयर करना है, तो प्लीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए ज़रूरी होगा। और नोटबुक और टेक्स्ट बुक, क्योंकि हमारा स्कूल बिल्डिंग बहुत बड़ा है, तो हम आराम से डिस्टेंसिंग रख के, सोशल डिस्टेंस रख के ये काम कर सकते हैं। So I hope this whatever things I have discussed with you is clear right now. कुछ और चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इसके other than this textbook and notebook distribution. पहला, एक तो हम 1st अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन unfortunately you cannot overtake the nature. तो कुदरत के आगे तो किसी की नहीं चलती, तो ये एक ऐसी चीज़ हमारे सामने आ गई, बीमारी आ गई, जिसको हम बोलेंगे पैंडेमिक सिचुएशन, जिसकी वजह से पूरी दुनिया स्टॉप हो गई। तो हम भी जो हमारा जो प्लानिंग था 1st अप्रैल का, उसको हमें पोस्टपोन करना पड़ा। डेफिनेटली हमें गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी फॉलो करने हैं, तो सब कुछ माइंड में रखते हुए हमने सोचा कि हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें। तो अप्रैल के एंडिंग में हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए। उस टाइम पे हमारे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का ज़्यादा एक्सपीरियंस न सिर्फ हमारे स्कूल को, बाकी कोई भी स्कूल को ये एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था। मेजोरिटी स्कूल ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और फिर भी हमने एक चैलेंज उठाया। और मैं आपको फिर से बोलूँगा, तकलीफ़ों के सामने अगर हम लोग घुटने टेकेंगे तो फिर इट इज़ नॉट फेयर, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द चैलेंजेस। और मैं चाहता हूँ, हमारा एक ही पर्पज़ है, टीचर्स का, हमारा, मैनेजमेंट का, सबका, कि बच्चों का कभी भी नुकसान यानी लॉस नहीं होना चाहिए। भले बच्चे घर पे बैठे हैं, आराम से है, सेफ है, सिक्योर है, हम चाहते हैं कि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन भी थोड़ा बहुत मिले, जिससे कि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, दूसरी जगहों पर उनका माइंड ना जाए। तो इस वजह से ऑनलाइन क्लास होना भी ज़रूरी है। तो हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए, और आज तक हमने लगभग, मेरे हिसाब से, सिर्फ 8, 9, 10 और 12 में 740 से ज़्यादा लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। प्राइमरी सेक्शन भी हमारा ऑनलाइन कर रहा है 1 to 7, और KG सेक्शन भी अच्छा कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस। मैं बच्चों से, स्टूडेंट से स्पेशल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि 5, 10, 15 मिनट का लेक्चर है, टीचर को सिर्फ एक कैमरा या मोबाइल रखना है और लेक्चर देना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इतना इजी नहीं है। 10 मिनट का लेक्चर बनाने के लिए टीचर को कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। उसका एडिटिंग करना है, उसका अपलोडिंग करना है मे बी, और कभी कभी होता है कि पूरा लेक्चर दे दिया, बाद में पता चला कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो ये इतना ईजी नहीं है।
मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, हमारा पूरा स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे जो क्लीनर्स है, हमारे आंटीज है, जो भी है, हमारे टीचर्स है, घर पे बैठ के भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। टीचर्स भी आपके लिए 24/7 बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा नुकसान इस सिचुएशन से ना हो, तो इसको माइंड में रखते हुए हम लोग डे नाइट हार्ड वर्क कर रहे हैं। डेली हम 8 या 10 वीडियो सेक्शन वाइज अपलोड कर रहे हैं। एक एक क्लास के कम से कम 2-2, 3-3 वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी हर एक वीडियो को केयरफुली ऑब्जर्व करें। मैं हमेशा मानता हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कुछ होना इससे बेटर है कि कुछ ना हो। सपोज़ अगर हम घर पे ऐसे ही बैठे रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि हम लोग अपना एजुकेशन लीजिए। हमारा एकेडमिक सेशन पता नहीं कब स्टार्ट होगा। कल CBSE ने डिक्लेयर किया है कि भाई 12th बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स है वो 1-15 जुलाई के आसपास हो सकती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल कब से रीओपन हो सकता है। और गवर्नमेंट का भी उसमें कोई ब्लेम नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ कंट्रोल, कुछ सिचुएशंस कंट्रोल नहीं होते हैं। मैंने पहले ही बोला, वी आर समथिंग नथिंग इन फ्रंट ऑफ नेचर, सो वी ऑल आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आवर गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग बेस्ट, आवर मेडिकल टीम इज़ ट्राइंग आवर बेस्ट, इन ऑल इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट, आवर अदर पीपल मे बी लाइक दैट, ऑल द स्टाफ दैट सपोर्ट द पीपल, मेडिकल ऑफिसर्स आर देयर, नर्सिस आर देयर, पुलिसमैन स्पेशली आर देयर, सो ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड। बट एज आई सेड दैट वेट फॉर सम टाइम, जस्ट प्रे टू ऑल माइटी दैट सिचुएशन कम्स अंडर कंट्रोल एज अर्ली एज पॉसिबल। और एक चीज़ मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को, आप, मैंने ऑब्जर्व किया है हमारे लेक्चर्स में कि कुछ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कुछ सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ को मे बी नहीं देते। अब एक बात आपको मैं इमोशनली बताऊँगा कि हम जो लेक्चर अपलोड करते हैं उसके बाद हम लोग उसके व्यूज़ देखते हैं, कितने मिनट वो लेक्चर बच्चों ने देखा वो देखते हैं, और अगर ज़्यादा मिनट या ज़्यादा व्यूज़ होते हैं तो हमें वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए, ना कि एक सब्जेक्ट को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट दें और दूसरे को नहीं दें। हर एक सब्जेक्ट हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट को केयरफुली हम घर पर स्टडी करें, उसका हम लोग परफेक्टली प्रिपरेशन करें। और अगर आपके पास नोटबुक है तो उसमें आप टीचर जो नोट्स दे रहे हैं वो कॉपी कीजिए प्लीज़। और अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या तो नेक्स्ट वीक में आप आके परचेस कर सकते हैं, या अगर नहीं आ सकते तो नो वरी, जब स्कूल खुलेगा तब आपको स्कूल सफिशिएंट टाइम देगा, इनफ टाइम देगा कॉपी करने के लिए। लेकिन अभी आप एटलीस्ट लेक्चर को ऑब्जर्व ज़रूर कीजिए, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आज जो लेक्चर अपलोड हुए हैं वही करना है, जो पीछे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। यानी सपोज़ हर एक टीचर ने कम से कम 30-40 लेक्चर अपलोड किए होंगे, तो ऐसा नहीं है कि हर एक टीचर का अभी का लेक्चर ही देखना है, पीछे वाले लेक्चर भी आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको पूरा जो है आइडिया आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आएगा। हमारा फिर से बोल रहा हूँ, एक ही पर्पज़ है, अगर ऑनलाइन लेक्चर से आपको 50% भी बेनिफिट मिलता है, वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश होंगे। और एक बात मैं आपको बोलूँगा, अगर बाय चांस ऑनलाइन लेक्चर के बाद कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, कोई सम में आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, कोई पूरे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, आप भले ही सपोज लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन टीचर से ना कर सके, कमेंट आप भेज सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट। और कमेंट से भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन ना होता हो तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, स्कूल जब खुलेगा, ओपन होगा, जो भी डाउट्स आपके होंगे क्लास में टीचर वो 100% क्लियर करेंगे, उसका आप टेंशन मत रखिए। हमारा एक ही पर्पस है, अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी आप घर पे लेक्चर ऑब्जर्व कीजिए, स्टडी कीजिए और घर पे ही रहिए। आपको स्कूल जब परफेक्टली एटमोसफियर होगा, जब गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा, जब CBSE ऑर्डर करेंगे, तब हम स्कूल को फिर से रीओपन करेंगे। लेकिन तब तक हमारा पर्पस ये है
कि घर पे भी आपको एजुकेशन मिलना चाहिए. सो आई थिंक वॉट एवर आई वॉन्टेड टू कन्वे टू यू एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ. ओके होप. हाँ और एक बात, ऑनलाइन लेक्चर्स में भी हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आज अगर कुछ है, हम चाहते हैं कि आने वाला कल उससे भी बेटर. वी ट्राइंग अवर बेस्ट दैट अवर यस्टरडे एंड अवर टुडे, अवर टुडे इज मच बेटर देन यस्टरडे एंड अवर टुमोरो इज मच बेटर देन अवर टुडे. सो दिस इज वॉट अवर कॉन्सेप्ट इज राइट नाउ. मैं आपको बोल रहा हूँ, वी शुड हेल्प अवर लोकल अथॉरिटी, अवर गवर्नमेंट, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ अवर फैमिली, अवर सोसाइटी, अवर स्ट्रीट्स, अवर सिटी, अवर विलेज, स्टेट, कंट्री, एवरीथिंग. एंड लेट्स बी यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट दिस पैंडेमिक सिचुएशन. होप डेट वी विल रिकवर सून, इकोनॉमिकली ऑल्सो, हेल्थ रिलेटेड ऑल्सो, सोशली ऑल्सो. एक्सपेक्ट द बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द पीपल. Thank you very much. Have a very good day. Stay home, stay safe. Thank you.